पास 6 महीने हैं, तो अगर मैं जीएस की बात करूं कि आपको जीएस की तैयारी करनी है, तो अब एक ही तरीका है कि आप किसी भी अच्छे टीचर जो आपको लगता है जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है उसके नोट्स ले लीजिए। सिर्फ जीएस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टीचर के नोट्स ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को नोट से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी टीचर की यूट्यूब पे यानी कि YT पे, वैसे मेरी ये कोशिश है कि मैं अगले 15-1 दिनों में कुछ ऐसा करूं कि अभिनय मैं इस पे बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर भी आपके लिए ले आऊं फ्री क्लासेस के लिए, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, बट मैं ये अलग से अनाउंस करके आपको बताऊंगा अगर ऐसा होता है। बट मैं अभी जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो अभी के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई जीएस नोट्स के लिए आप 10 दिन किसी भी टीचर की YT पे क्लास करके देख लीजिए कि जीएस पढ़ने का तरीका। वैसे मैं ये मानता हूं कि मान लेते हैं कि आपने नोट से पॉलिटी खत्म किया, और नोट से पॉलिटी खत्म करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपने ठीक पढ़ा, क्योंकि जीएस भी उस ज्योमेट्री की तरह है कि खाली अगर आपने थ्योरम सीख ली और आप सोचो कि आप कर जाओगे, नहीं। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पूरी लक्ष्मीकांत ऐसे ऐसे करके रंग दी और उनसे 4 सवाल पूछो तो नहीं बन पाते, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपने नोट्स देखा और टिक कर दिया, पेपर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जरूरी है जीएस की भी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। अगर आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेते हो ना पूरे जीएस का, तो आप मान के चलो कि 10 12 15 मार्क्स तो आपके वहीं से आ जाएंगे। जरूरी नहीं है जितने सवाल आए, बट हाँ सवालों में लिंक तो होता है ना, जब आप किसी सवाल को पढ़ते हो तो उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है कई बार वहीं से सवाल बन जाता है। और अब तो घटना चक्र की किताबें इतनी अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ले सकते हो, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, अगर आपको जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जीएस की अभी तैयारी अगर सच में 6 मंथ्स है, तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 मंथ सिर्फ नोट्स पढ़ो, 2 से 3 घंटे पढ़े नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस। अगर आपने जीएस का सिलेबस खत्म करने की सोच ली और आपने क्लास लेना चालू कर दिया, तो ये पूरा साल निकल जाएगा। एक नंबर का तो फंसेगा नहीं उसमें से, मैं इस बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं, वरना कोई बच्चा मुझे आके बता दे कि मैंने जीएस इस टीचर से पढ़ी थी और एज इट इज सवाल आ गए, मैं हाथ के साथ पैर दोनों कटवा दूंगा अगर ऐसा हो जाए तो। मैंने 5 बार सीजीएल निकाला है, बहुत बेहतर से समझता हूं कि जीएस में सीजीएल में क्या पूछा जाता है और लोग क्या पढ़ाते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। एक नंबर का भी फंस जाए तो फंसेगा भी तो वो जो आपको ऑलरेडी आता होगा, जो आपको पहले से आता होगा, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और हाथ जोड़ के कि सच में अगर सीजीएल निकालना है, इतने सारे टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुनते होंगे, किसी टॉपर ने ये नहीं कहा होगा कि हमने वहां से जीएस पढ़ी तो हमारे 45 नंबर आ गए। भाई आपने सुना है, 2 विद्यार्थी मेरे पास बैठे हैं, इन्होंने कभी आज तक नहीं सुना, और वही लोग सेलेक्ट होते हैं जो टॉपर से सीखते हैं। आपको पता है इंप्लीमेंटेशन सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके टॉपर्स या जो लोग उस राह में सफल हो चुके हैं, हमने उनसे क्या सीखा, बट हम नहीं सीखते, हम खुद डिसाइड कर लेते हैं, ओ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, कैसे पता चला, यार मैं उनकी क्लास में जाता हूं मजा आ जाता है, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बना के सर समझाते हैं जीएस को, वोकैब को, बस मजा आ जाता है, तो आप मजा लेते रह जाओगे, क्यों इतनी मेहनत लगानी है। असफल होने की सबसे बड़ी वजह यही है। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं जो आज तक 3-4 बार में भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट जीएस बहुत अच्छी है मेरी, 42 स्कोर कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, मैं तो कहता हूं आप 50 स्कोर कर लेते हो, क्या सिर्फ जीएस में 50 स्कोर करने के चलते आपको नहीं लगता कि सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। फोकस करना है तो इंग्लिश पे करो, मैथ्स पे करो, जिनका बड़ा वेटेज है। तो पहली चीज तो मैंने ये बताई कि जीएस में समय एकदम ना खराब करें, सिर्फ नोट्स खरीद लें। अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैं नाम भी बता देता हूं, अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, या आपको ऑनलाइन भी नोट्स मिल जाएंगे, आप राजेश शुक्ला के नोट्स ले सकते हैं। अगर कुछ फंसेगा मैक्सिमम तो यहां से भले फंस जाए, बाकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी को। राजेश शुक्ला एक जीएस के टीचर है, ऑनलाइन भी इनकी वीडियोज पड़ी हुई है, आप वो वीडियो से भी ये सीख सकते हो कि पढ़ने का तरीका क्या है, आप इन वीडियो से ये सीख सकते हो कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। एक बुड्ढे से टीचर है, मतलब एज्ड टीचर है, आपको लगेगा ये तो हंसी मजाक भी नहीं कर रहे, बड़े अजीब से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, बट सच्चाई यही है कि इनके पढ़ाए हुए से मैं फिर भी ये कह सकता हूं कि 25, 27, 28 नंबर का आ सकता है। कुछ एक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं हिस्ट्री या पॉलिटी, बट वहां से आपको तरीका आ जाएगा कि पढ़ना कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने बता दी, जीएस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, चाहे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के, आप घटना चक्र की किताबों से प्रैक्टिस करें, वो बेस्ट किताब है, और वो अब से नहीं है बेस्ट, हमारे टाइम पे तो आती भी नहीं थी इंग्लिश मीडियम की, तब से बेस्ट है, क्योंकि उनमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया होता है। और आज से शुरू कर दें, आज से मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे खुद से पढ़ना, नोट्स बनाने का वक्त नहीं है तो नोट्स दूसरों के लेंगे, किसी टीचर के लेंगे, या इनके नहीं मिल पाते तो किसी और टीचर के लेंगे जो आपको लगता है, बट 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे का मतलब हो गया, 1 मिनट में भी लगाऊं तो मैं 60 सवाल मुझे जीएस के सीखने हैं, रटने हैं 60 सवाल हर हाल में। मैं 3 महीने बाद फिर बताऊंगा।